गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आप मेरी बताई हुई ये सारी बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेस अगर 1 month रेगुलर फॉलो करते हैं ना, आपको आपके पूरे ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छा डिफरेंस फील होगा। आपकी पूरी बॉडी का फैट इससे मेल्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें, आज से ही आपको स्टार्ट करना है, हर हालत में करना है क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, तो आपको टाइम निकालना है अपनी बॉडी के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट, ठीक है। और जितने मैं रैप्स आपको बताऊंगी सेम आपको करने हैं, करेक्ट पोजीशन आपको फॉलो करनी है, तभी आपके उस एरिया पे लोड आएगा, ब्रीथिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत मस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ साथ आज आप अपना वेट कर लीजिए वेटिंग मशीन में, ठीक है। वेटिंग मशीन में वेट करने के बाद 1 महीने बाद जरूर मेजर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना डिफरेंस फील हुआ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कुछ और नेक्स्ट टॉपिक किसी और बॉडी पार्ट पे कोई भी वीडियो चाहते हैं तो जरूर अपना सिटी नेम विद योर नेम मेंशन करना कि आपका क्या टॉपिक है, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर जरूर कवर करूंगी। इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना है। देखो दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि डाइट मस्ट है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, डाइट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आपको जंक फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना। नहीं खाना मतलब मैंने आपको एक दिन का भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया है, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, एक दिन भी नहीं खाना। शुगर आपने मुश्किल से सिर्फ आधा या 1 चम्मच लेनी है एक दिन की। और अगर आप सच में वेट लूज करना चाहते हैं तो शुगर बिल्कुल इनटेक करना बंद कर दें। टॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुकीज, किसी भी तरह का आपने कोई भी शुगर इनटेक नहीं करना। चाय भी फीका पीना है, दूध भी बिल्कुल फीका पीना है। नमक को आपने कम लेना है क्योंकि नमक जो होता है हमारे बल्जेस बढ़ाता है, जैसे ये फैट हो गया, नेक फैट हो गया, साइड ब्रा फैट हो गया, तो ऐसे आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है, उससे एजिंग आने लगती है नमक से भी, ठीक है। तो नमक, मिर्च मसाले आपने कम खाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पानी ज्यादा पीना है। मेरे चैनल पर बहुत तरह की रेमेडीज हैं, उनको भी फॉलो करिए जो आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उनको मॉर्निंग में ले, वर्कआउट करें और फिर देखें 1 महीने बाद आपके शरीर पर आने वाला बेहतरीन रिजल्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको करना है जंपिंग जैक्स। इसको आपको करना है 15 के 2 सेट्स, ठीक है। जितने मैं आपको रिपीटेशन बता रही हूँ, जितने सेट्स बता रही हूँ, मेक श्योर आप उतने फॉलो करें। और प्लीज जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले प्री वर्कआउट में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स से आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, जिससे कि आपकी मसल पुल डाउन नहीं होती और इससे आपका फैट भी लूज होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके लिए आपको अपने टोज को टच करना है क्रॉस करके। इसमें आपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को टच करना है। और जिस साइड आप टच करेंगे उसी साइड आपको ऊपर की तरफ देखना है, पूरी मसल को अच्छे से स्ट्रेच देना है। और इसको आपने करना है 15 times और इसके आपको करने हैं 2 sets। तो देखिए मत, फटाफट से मेरे साथ शुरू हो जाइए। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पहले स्ट्रेट खड़े हो जाना है, अपनी बॉडी को स्लाइटली ऊपर से बेंड करते हुए अपने पैरों से इस तरीके से ऊपर की तरफ जंप करना है 1 by 1। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपके ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए। और सेम आपने इसके करने हैं 15 reps और इसके करने हैं आपने 2 sets। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, अपनी दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाते हुए अपने 1 leg के टो को टच करना है। पहले आपने राइट साइड टच करना है, फिर आपने लेफ्ट साइड टच करना है। आपको 15 times इसको रिपीट करना है और इसके करने हैं आपको 2 sets। जब आप ऊपर अपनी लेग को लेकर आएंगे तो उस टाइम पे आपने ब्रीथ आउट करना है और जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। एक्सरसाइज में ब्रीथिंग प्रोसेस बहुत मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज उसको फोकस जरूर करें। ये आपके मसल को अच्छे से एंगेज करती है और बहुत जल्दी टोन करती है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो उसे आप नोटिस करेंगे आपका लोअर बेली और अपर बेली जो है बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ की मसल बहुत अच्छे से एंगेज होती हैं और स्ट्रेच आउट होती हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। तब
रिलैक्स, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट के इस तरह से कॉर्नर में खड़े हो जाना है और आपने बेबी स्टेप से अपने हैंड्स की हेल्प से धीरे धीरे आगे जाना है, देन अपनी बॉडी को फिर से बैक पर लेके जाना है हैंड्स की हेल्प से। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जब आपके हैंड्स आगे जाएंगे तो आपने ब्रीथ आउट करना है और जब पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके शोल्डर का फैट, आपके आर्म्स का फैट, आपके ओवरऑल बॉडी पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपने इस तरह से अपनी बॉडी को क्रॉस ले जाते हुए जंप करते हुए अदर साइड पे जाना है और अपने टोज को टच करना है। पहले अपने राइट टो को टच करना है, देन जंप करते हुए अदर साइड पे, फिर लेफ्ट टो को टच करना है। आपको इसको करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट। जब अपनी बॉडी को आप आगे लेकर जाएंगे, अब जब टो टच करेंगे तो ब्रीथ आउट, जब आप अपनी बॉडी को पीछे लेकर जाएंगे यानी अपने पैर को ट्विस्ट करेंगे तो ब्रीथ इन करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें करना है स्क्वाट। स्क्वाट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप पहले सीधे खड़े हो जाइए, अपने हिप को बैक साइड पे करिए और मेक श्योर जो आपके नीज है वो आपके टोज के आगे नहीं जाएंगे। इस तरीके से अपने हैंड को लॉक करिए और स्क्वाट करना प्रोसेस करिए। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। ये आपके जितने भी थाई पे एक्स्ट्रा फैट है, आपके हिप मसल पे एक्स्ट्रा फैट है, उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है, आपकी लेग्स को बहुत अच्छे से टोन करता है। जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे स्क्वाट में, जब ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेट 7.5 kg का। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी हेवी चीज या दाल के पैकेट जो होते हैं वो ले सकते हैं, या आप कोई किसी बैग में कोई कपड़े भरकर उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने अपने आपको फॉरवर्ड बेंड करना है, मतलब अपने बॉडी को आगे बेंड करना है लेकिन नीज को आपने बेंड नहीं करना है। ये आपके टमी को, लोअर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है, आर्म्स के मसल्स को बहुत अच्छे से टोन करेगी क्योंकि आपने वेट ले रखा है, ये आपके थाई मसल को बहुत अच्छे से टोन करेगी। तो ऐसा आपने 15 टाइम्स करना है और इसके करने हैं 2 सेट्स। जब आप ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट, जब अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से अपनी बॉडी को हाफ बेंड रखते हुए अपने हैंड को मैट पे प्लेस कर सकते हैं या अपने हिप पर इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और आपने नीज को आगे टक करना है, चेस्ट तक लेकर जाना है, देन बैक लेकर जाना है और मैट और अपने फीट में इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब आपकी लेग्स नीचे की तरफ जाएंगी, डाउन जाएंगी तो ब्रीथ आपने इन करना है, जब आपकी लेग्स ऊपर आएंगी तो ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथिंग मस्ट है, ये आपके लोअर अपर टमी को, आपकी थाई मसल को बहुत अच्छे से टोन करता है। आपको उसको करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ केवल मैट पे लेट जाइए, अपने हिप के नीचे अपने हैंड को प्लेस करते हुए अपनी लेग को स्ट्रेट करें, देन डाउन, देन पीछे की तरफ आप अपनी बॉडी की तरफ लेकर जाते हुए लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करें। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। जब अपनी लेग्स को ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ आउट, जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन। मेक श्योर कि आपने अपने टोज को, अपनी हील को, यानी अपने प्रॉपर फीट को आपने मैट से सपोर्ट नहीं देना, क्योंकि जब हम सपोर्ट देते हैं तो हमारी बॉडी को सहारा मिल जाता है, जिससे कि आपके टमी पे उसका लोड नहीं आता है। तो आपने जस्ट मेरी तरह से ही इतना ऊपर रखते ही वापस अपनी बॉडी को बैक पर लेकर जाना है। पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने पीठ केवल मैट पे लेट जाना है, अपने हैंड्स को ऐसे बैक पे ले जाते हुए अपनी लेग्स को फोल्ड करते हुए अपने टोस को टच करना है। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं 2 सेट। जब अपनी बॉडी को आप इस तरीके से आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करते हैं तो इससे आपके शोल्डर का फैट, आपके थाई का फैट और स्पेशली आपके बेली एरिया जो लटक रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। यह आपकी फुल बॉडी को चार्ज कर देता है। स्टार्टिंग में जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपकी बॉडी आगे की तरफ नहीं आ पाएगी, लेकिन जितना मैक्सिमम करना है, जितना मैक्सिमम आपसे हो पाए उतना आपने अपना बेस्ट देना है। जब ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट, जब अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने हाथों को उस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए अपने टोज पर आ जाना है और अपने हिप को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। ये आपके जितने भी टायर्स हैं साइड के उनको ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है, लोअर अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है। बहुत ही परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसको आपने करना है 15 टाइम्स। जब आप अपनी हिप को साइड ट्विस्ट करेंगे तो ब्रीथ इन और जब अंदर लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ केवल लेट जाइए, अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर फोल्ड करते हुए वन बाय वन आपने अपनी लेग को आगे लेकर जाना है और स्ट्रेच देना है। अपने हैंड्स को आप अपने थाइस के पास प्लेस कर दीजिए। इसके आपने करने हैं 15 रैप्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। जब आपकी लेग डाउन जाएगी तो ब्रीथ इन, जब आपकी लेग अप आएगी तो ब्रीथ आउट। मेक श्योर ब्रीथिंग प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें प्लीज़। सारी एक्सरसाइजेज में मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करती जा रही हूँ, उससे आपकी कम एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, अपने टोज पर आ जाना है, अपनी नेक को डाउन करते हुए अपनी वन लेग से अपनी आर्म्स की एल्बो को टच करने का ट्राई करना है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके साइड फैट को, जो टायर्स आपके निकल गए हैं कमर के,
उनको स्क्वीज आउट करने में और आपके टमी यानी लोअर और अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है। जब आपका घुटना यानी नी आपका एल्बो तक जाएगा तो ब्रीथ आउट, जब पीछे जाएगा तो ब्रीथ इन। इसको आपको करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर लीजिए और अपनी बॉल घुटनों को अपने मैट पर लगाते हुए आपने वन लेग को ऊपर लेकर जाना है। ये बहुत अच्छा होता है आपके ग्लूट मसल के लिए, हिप मसल के लिए, आपकी बूटी को बहुत अच्छी शेप में लेकर आता है, आपके हिप पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उनको बहुत अच्छे से रिड्यूस करके आपके हिप को, आपके थाई मसल को टोन करता है। स्लाइटली से आपने ऊपर लेकर जाना है, देन वापस आपने सेम पोजीशन पर लेकर आना है। आपने करना है इसको 15 टाइम्स और इसके करने हैं 2 सेट, लेकिन आपको वन साइड 15 टाइम्स करना है, अदर साइड भी आपको 15 रैप्स अलग करने हैं। मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपकी लेग अंदर की तरफ जाएगी तो ब्रीथ इन और जब ऊपर की तरफ जाएगी लेग तो ब्रीथ आउट। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करते हुए अपने घुटनों को मैट पे रखते हुए आपने वन लेग को क्रॉस करके स्ट्रेच करना है पूरा, देन अपनी फ्रंट साइड पे लेकर आना है, देन फिर से बैक साइड पे लेकर जाना है। ऐसा आपने 15 टाइम्स करना है वन लेग पर और उसके करने हैं 2 सेट्स। सेम अदर साइड पे भी आप इसको रिपीट करेंगे। जब आप अपनी लेग को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे यानी ऑपोजिट साइड तो ब्रीथ इन, जब अपने सेम साइड लेकर आएंगे तो ब्रीथ आउट। ये बहुत अच्छे से आपकी लेग्स को, आपके टमी को, आपके शोल्डर को टारगेट करती है और उसके फैट को रिड्यूस करके आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे से टोन करती है। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस करिए, देन अपने टोस पर आ जाइए, अपनी बॉडी को आपने वन बाय वन करके लिफ्ट करना है। जिस हैंड से आप डाउन जा रहे हैं उसी हैंड से आपने अप करना है, देन अदर साइड पे भी सेम आपको रिपीटेशन करना है। ये बहुत अच्छे से आपके टमी को, आपकी स्पेशली आर्म्स जो बहुत ज्यादा फैटी हो चुकी हैं उनको टोन करता है, लेग्स को टोन करता है और शोल्डर्स भी जितने आपके बहुत ज्यादा बल्जेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा फैट आ गया उसको भी टोन करने में हेल्प करता है। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। जब अपनी बॉडी को आप नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन, जब अपने हैंड से ऊपर की तरफ सपोर्ट करेंगे बॉडी को तो ब्रीथ आउट। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हैंड्स को इस तरीके से मैट पे प्लेस करिए और उसके बाद अपने टोस पर आ जाइए, देन उसके बाद आपको अपना शोल्डर टैप करना है ऑपोजिट साइड। राइट हैंड से आपने करना है लेफ्ट हैंड का शोल्डर टैप और लेफ्ट हैंड से आपने करना है राइट शोल्डर टैप। इससे आपके शोल्डर्स का फैट, आपकी आर्म्स का फैट, आपके ओवरऑल बॉडी का फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। इसको आपने करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो एंजॉय करें, फॉलो करें और अपने आप को पतला करें।